नमस्कार, हमारे साथ हैं संजय भूस रेड्डी जो प्रदेश आयुक्त हैं गन्ना और चीनी के। संजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी लगातार बारिश के साथ साथ जो बिजली की दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें उत्तर प्रदेश भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है, विशेषकर पूर्वांचल के क्षेत्र, तो एक जो दामिनी ऐप आया है, ये क्या है और इसको हमारे किसान भाई या शहर के जो लोग हैं उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इसमें जो है हमारा जो चीनी मिलों का पेराई समाप्त हो जाता है गर्मियों में, तो 19 जून को हमारा पेराई समाप्त हो गया था और उसके, लेकिन 1 मई से हर वर्ष हमारा गन्ने का सर्वे का काम शुरू हो जाता है, जिसमें गन्ना किसान, हमारे मिल कर्मचारी और हमारे विभाग के कर्मचारी खेतों में रहते हैं और कई बार खेत गीले भी रहते हैं, पानी लगाता है किसान, तो जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, बिजली गिरने की संभावना रहती है, तो उसमें ये बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से कई बार जानमाल की का रास होता है, हानि होती है। इधर मैंने देखा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इधर यूपी बिहार की कुछ घटनाएं मैंने जब समाचार पत्रों से, तो हमारे किसान और हमारे मिल कर्मचारी और हमारे विभागीय कर्मचारी क्योंकि फील्ड में रहेंगे तो थोड़ी उस पर चिंता थी, तो हमने इसमें देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो भारत सरकार के अर्थ साइंस मंत्रालय का एक बहुत अच्छा दामिनी लाइटनिंग अलर्ट मोबाइल ऐप है, वो आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, चाहे एंड्रॉयड या है आईफोन के, और उसमें आपको ये जो है ऐप पे जब आप जाके उसको डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करते ही आपको वो आपको 3 ऑप्शन देता है कि 5 मिनट के अंदर आकाशीय बिजली गिरने वाली है, 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर गिरने वाली है, 10 से 15 मिनट के अंदर गिरने वाली है। तो एक पीला, एक नीला, एक बैंगनी रंग का आपको देता है सिंबल इतने देर में, तो वो आपको 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के 2 सर्कल में रेंज में देता है, वो आपको ये अलर्ट करता है कि आप तुरंत जो है आप किसी सुरक्षित स्थान में, पक्के मकान में या किसी अच्छे जगह चले जाए। होता क्या है कि लोग इस वक्त जब बिजली पानी तेज होता है तो पेड़ के नीचे चले जाते हैं या पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में चट्टान के पीछे आड़ में लेते हैं, ये उल्टा करते हैं एक्चुअली इस वक्त, या जमीन पे सपाट सो जाए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए और आपको किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। तो ये हमने अलर्ट, सुरक्षित स्थान क्या होगा? सुरक्षित स्थान संभवतः पक्का घर, मकान, पंचायत घर, इस टाइप की चीजों में आपको सुरक्षित चले जाना चाहिए और आपको पेड़ के नीचे, क्योंकि बारिश में पानी गीला हो जाएगा, आप भी भीग जाएंगे, तो आप कंडक्टर के रूप में आप प्रयोग हो जाएंगे और बिजली की गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसमें आपको सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए आपको एक वो मौका देता है और आपको पहले से ही 5, 10, 15 मिनट पहले अलर्ट कर देता है कि इतने देर में ये आपका होगा। दूसरी बात, लोग जनरली खेत में है, खुले खेतों में, पेड़ के नीचे, पहाड़ी इलाकों में चट्टानों का प्रयोग ना करने की हमने सलाह दी और सपाट जमीन पे लेटने से बचने की हमने सलाह दी हमारे किसानों को और हमारे विभागीय कार्मिकों को, सबको कहा है कि जब आप सर्वे करने जाए ये सब, तो उस जब बिजली गिरने की संभावना है और आंधी तूफान आ रहा है, उस समय तालाब, झील, बिजली के से संचालन होने वाली वस्तुओं से दूर रहने का सुझाव दिया। बिजली के खंभे है क्योंकि वो अर्थिंग कर देते हैं वो, दूसरा कोई आप अपने जान माल का नुकसान हो जाता है, नुकसान ना हो। दूसरा, बर्तन न धोए इसमें आकाशीय बिजली गिरने के समय, धातुओं के बर्तन न धोए, स्नान इत्यादि न करें, और साथ ही साथ ये जो उपकरण है बिजली के, सेलफोन वगैरह है, उनका उस वक्त खुले में प्रयोग न करें, और अगर आप फंस जाते हैं तो आप स्क्वैटिंग मोड में, जो भारतीय शौच का मेथड है इंडियन, उस मुद्रा में बैठ के आप अपने आप को, अपने सर को नीचे रख के, दोनों घुटनों के बीच में से बीच में छुपा के, उसको सरों पे दोनों हाथ रख के अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करें अगर आप कहीं खुले में फंस जाते हैं तो। जी, तो इस तरह से दामिनी ऐप का इस्तेमाल करके, एक तो पहली बार हमारे किसान भाई या वो लोग जो भी खुले में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं वो दामिनी ऐप से सुरक्षित हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपने जो सावधानियां बताई हैं कि खुले में काम करते समय हम किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमारे किसान भाई और अन्य हमारे भाई बहन जो भी खुले में हैं इस समय बारिश और बिजली गिरने के समय में बाहर हैं, वो सुरक्षित रह पाएंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।